पिछले 3 महीनों से किसानों का यही हाल है। पहले डीएपी और अब यूरिया खाद के लिए किसानों को घंटे लंबी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जी हाँ, किसानों के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाले जसपा और भाजपा नेताओं के अपने हलके में भी किसान यूरिया के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये तस्वीरें जसपा विधायक नैना चौटाला ने अपने हलके बाडढ़ा विधानसभा की है, जहां खाद की किल्लत के चलते बाडढ़ा थाने में टोकन काटे जा रहे हैं और किसान थाने में लाइनें लगाकर बैठने पर मजबूर हैं। दरअसल धनाश्री गांव की सोसाइटी में यूरिया खाद आई थी, लेकिन किसानों की संख्या ज्यादा होने के चलते गांव में टोकन नहीं कट पाए, लिहाजा किसानों को बाडढ़ा थाने में बुलाया गया और लाइन में बैठाकर यूरिया के टोकन दिए गए। मेरा नाम सुभाष चंद्र है, गांव किशकंदा है जी। और खाद के लिए मैं मतलब थाने के अंदर लेने गए, उम्र मेरी 75 साल है और मेरा कृषि कार्ड बना हुआ है और मैं उसका लोन कैसे पाड़ूंगा जब टाइम पर फसल बर्बाद हो रही है, खाद नहीं मिली जी। हमने बाढ़ लग रही है जी, बाढ़ थाने में 7 बजे लग रही है, यहाँ मिल आस भी नहीं है कि दे देंगा। एक कट्टा देंगा, कट्टा भी एक देंगा तेल बड़े। फिर आलू जी, फसल आलू से वो पानी खाद मांग रहे हैं, गेहूँ से वो पीले हो रहे हैं, बता हम क्या करेंगे। कृषि के लिए कोई फैसलिटी नहीं दे रहे सर। हम सुबह खाद के लिए सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं थाने के अंदर और भारी दिक्कत हो रही है जी खाद के लिए, क्यों यहाँ से गांव से 15 किलोमीटर दूर चल के आए हैं और हमारा समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। हम बाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर, फसल का तो जी 90% नुकसान है जी, खाद नहीं मिली तो हमें। किसानों के हितैषी बनने वाले सरकार में बैठे नेता व मंत्री आज किसानों की इस दुर्गति पर मुंह खोलने पर भी राजी नहीं हैं। सफाई देना तो दूर की बात है, सरकार के मंत्री विधानसभा में यूरिया की कमी को भी स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। बहरहाल नैना चौटाला ने हलके में यूरिया के लिए किसान धक्के खाने को मजबूर हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब जेजेपी नेताओं के अपने हलके में यूरिया को लेकर महामारी है तो दूसरे हलकों की क्या परिस्थिति होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।